तो अल्लाह ताला ने समंदर बना दिए हैं, पानी पानी बना दिया है। क्या लिखो? क्या मेरी तारीफ, मेरी किबरियाई, मेरी बड़ाई, मेरी अजमत, मेरी हैबत। हा हा हा, तुम लिखते लिखते थक जाओगे तो मैं जिन्नात को बुलाऊंगा, तुम भी लिखो। जिन भी लिखते लिखते थक जाएंगे मैं फरिश्तों को बुलाऊंगा, तुम भी लिखो। फरिश्ते लिखते लिखते थक जाएंगे मैं मलाए आला के फरिश्ते बुलाऊंगा, तुम भी लिखो। वो लिखते लिखते थक जाएंगे मैं जिब्रील को उतारूंगा, मिकाइल को, इज़राइल को, इसराफील को, अर्श के फरिश्तों को कलम देकर कहूंगा लिखो, जिब्रील तू तो मेरे बहुत करीब है, तू भी लिख के रब कैसा है, अल्लाह कैसा का। वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे, फिर मैं 1,25,000 1,25,000 नबियों को बुलाऊंगा, उनके हाथ में कलम दूंगा। नबियों का इल्म फरिश्तों से भी ज्यादा होता है, वो भी मेरी तारीफ को लिखते 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 थक जाएंगे। मैं रसूलों को बुलाऊंगा, उनको कलम दूंगा, रसूल का इल्म नबी से ज्यादा, वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे। मैं 4 बड़े रसूल बुलाऊंगा, कौन से 4? इब्राहिम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम। मैं उन 4 बड़े नबियों को बुलाऊंगा कि आओ तुम भी लिखो, वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे। फिर मैं बुलाऊंगा, किसको बुलाऊंगा? अलम नशरह लक सदरक, जिसका मैंने सीना खोला, किसको बुलाऊंगा? वदअना अनका विजरक, जिसके मैंने बोझ उठाए, किसको बुलाऊंगा? वरफअना लका ज़िक्रक, जिसकी मैंने शोहरत को, इज्जत को बुलंद किया, किसको बुलाऊंगा? वद्दुहा, जिसके रोशन चेहरे की मैंने कसम खाई, किसको बुलाऊंगा? वल्लैल इदा सजा, जिसकी स्याह जुल्फों की मैंने कसम खाई, किसको बुलाऊंगा? जिसके शहर की मैंने कसम उठाई, वहादल बलदिल अमीन, किसे बुलाऊंगा? जिसकी किताब की मैंने कसम उठाई, काफ वल कुरआनिल मजीद, किसे बुलाऊंगा? जिसकी जबान से निकले बोल की उसके रब ने कसम उठाई, वकील ही या रब इन्हा उलाए कौमुल्ला युमिनून, जिसका वकील सफाई बनकर मैंने कसम उठाई, वन नजम इदा हवा, मा दल्ला साहिबकुम वमा गवा, वमा यंतुकनिल हवा, इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, अल्लमहु शदीदुल कुवा, ذو مرة فسوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى किसे बुलाऊंगा, किसे बुलाऊंगा? फलावा, जिसकी मैंने कसम उठाई, फलावा रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्कमूका फीमा शजर बैनहुम, किसे बुलाऊंगा? जिसको मैंने टाइटल दिया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, किसे बुलाऊंगा? जिसे मैंने मोहब्बत से पुकारा, या अय्युहन नबी, किसे बुलाऊंगा? जिसे मैंने मोहब्बत इज्जत से पुकारा, या अय्युहर रसूल, किसे बुलाऊंगा? जिसे मैंने मुज़म्मिल से पुकारा, या अय्युहल मुज़म्मिल, किसे बुलाऊंगा? जिसे मैंने मुद्दस्सर से पुकारा, या अय्युहल मुद्दस्सर, किसे बुलाऊंगा? जिसके चेहरे को जिक्र किया, फवल्ल वजहक, जिसकी जबान को जिक्र किया कुरान में, ला तुहर्रिक बिही लिसानक, जिसके हाथ को जिक्र किया, ला तज्अल यदक, जिसकी गर्दन को जिक्र किया, अला उनके, जिसके सीने को जिक्र किया, अलम नशरह लक सदरक, जिसकी कमर को जिक्र किया, अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, जिसके दिल को जिक्र किया, अला क़ल्बिक, जिसकी चाल को कुरान में बताया, यमशी फिल अस्वाक, जिसकी रात को और कुरान में बताया, कुम लैला इल्ला कलीला, जिसके दिन को कुरान में बताया, कुम फअंदर वरब्बा फकब्बर वसियाबका फताहिर, जिसकी बोल को, जिसकी जिसकी दावत को, जिसकी दावत को मैंने कुरान में बताया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअ, जिसकी एक एक चीज को मैंने कुरान में, वो जिसको जिसको मैंने मोहम्मद का, अहमद, माही, हाशिर, हाकिब, फाते, खातिम, अबुल कासिम, ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुद्दस्सर, शाहिद, मुबशिर, नज़ीर, दाई इलल्लाह, सिराज मुनीर, अजीज, रऊफ, रहीम, हरीस, किसे बुलाऊंगा, किसे बुलाऊंगा? मोहम्मद मुस्तफा। कौन मोहम्मद मुस्तफा? सुनो फोर फादर्स को आदम तक, किसे बुलाऊंगा?
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن حميصة بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أخنات بن إيهام بن مقصر بن ناحل بن زاري بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهلعيل بن قنان بن آنوش بن الشيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. कौन आएंगे? قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. अब मेरे हबीब आ रहे हैं, हबीबुल्लाह रसूलुल्लाह खलीलुल्लाह, हर हर सिफत में बा कमाल, अजमल अस्का अतहर अनसब आला अफदल अशरफ अनवर अबहा अस्का. मैं कितने अल्फाज लाऊं, जितने लफ्ज लाता हूं छोटे हो जाते हैं, मेरे नबी उससे बड़े हो जाते हैं. मेरे नबी की जात, मेरे नबी का कद दरमियाना था, दरमियाना, लेकिन बड़े से बड़े कद वाला जब आपके साथ खड़ा होता था तो आपका कद ऊपर हो जाता, उसका नीचे हो जाता था. आपके चचा अब्बास का इतना बड़ा कद था, अब्बास घोड़े पे बैठते तो पांव जमीन पे लग जाते थे, इतना बड़ा कद था. जब वो मेरे नबी के साथ खड़े होते तो यूं हो जाते थे, ये अब्बास ये मेरे नबी, कोई आपसे ऊपर नहीं निकल सकता था. हाँ या हबीबी, इब्राहिम भी थक गए, मूसा भी थक गए, यूसा भी थक गए, नूह भी थक गए, शुएब भी थक गए, सोले भी थक गए, दाऊद भी थक गए, सुलेमान भी थक गए, यहया भी थक गए, जकरिया भी थक गए, यूनुस भी थक गए, लूत भी थक गए, सोले भी थक गए, हूद भी थक गए, इदरीस भी थक गए, आदम भी थक गए, और इस्माइल भी थक गए, इसहाक भी थक गए, याकूब भी थक गए, यूशा भी थक गए, यूसुफ भी थक गए, ये सारे मेरे नबी थके पड़े. अब तू मेरी तारीफ लिख, या हबीबी तआल, मेरे हबीब आए, मेरे महबूब आए, कायनात के महबूब आए. उन्होंने कलम उठाया, अल्लाह की तारीफ शुरू की, समंदर की स्याहियां सुकड़ती गईं, सुकड़ती गईं, सुकड़ती गईं, और मेरे नबी तारीफ लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, पीछे नबी भी लिखते गए, रसूल भी लिखते गए, बड़े रसूल भी लिखते गए, हम भी लिखते गए, जन्नात भी लिखते गए, जिब्रील बिन ने भी लिखा, मिकाइल ने भी, इजराइल ने भी, इसराफील ने भी. नतीजा क्या है? لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. میرا رسول بھی تھکے گا, سارے رسول تھکیں گے, سارے نبی تھکیں گے, فرشتے انسان تھکیں گے, سمندر خشک ہو جائیں گے, اور تیرے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا. یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے. جہاں مرضی رہو, جو مرضی کرو, अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजारो, वरना बर्बादी के सिवा कुछ ना मिलेगा. ये धोखे का घर है दुनिया, ये मच्छर का पर है दुनिया, ये मकड़ी का जाला है. यहाँ हुसैन जैसों के सर कट के नेजों पे चढ़ गए, और यजीद जैसे नापाक, और शिमर जैसे नापाक, और इब्ने ज़ियाद जैसे नापाक इंसान तख्त शाही पर बैठे नजर आते हैं. ये इम्तिहान की जगह है. तो हिर्स हवस को छोड़ मियां, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गूनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाट बड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा. जाओ कब्रिस्तान देखो, टूटी कब्रें देखो, उजड़े घर देखो, शिकस्ता हवेलियां देखो, मुर्दा खोपड़ियां देखो, चमकती गाड़ियां ना देखो धोखा खा जाएगा, बड़े बड़े घर ना देखो धोखे में आ जाओगे, बड़े बड़े पार्क ना देखो धोखे में आ जाओगे, और समझोगे यही सब कुछ है. ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है. ये मिट जाने का घर है, बर्बाद हो जाने का घर है, खत्म हो जाने का घर है. आंख बंद होने दो, फिर तुम्हें नजर आएगा दुनिया क्या है और आखिरत क्या है. मेरे अजीजो, मेरे अजीजो, आपको देखकर मेरा ईमान बढ़ रहा है कि मेरे महबूब की उम्मत की इतनी नौजवान नस्ल आज अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने आई बैठी है. सुभान अल्लाह, मैं आज से 27 साल पहले आया था, 500 आदमी नहीं इकट्ठे होते थे,
मैं आज क्या देख रहा हूँ, जैसे मैं मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ, तो मेरी एक मेरी ये दरख्वास्त है, ये मेरी फरियाद है, मैं झोली फैला रहा हूँ, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो। और अल्लाह से दोस्ती लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है, इंसानों से दोस्ती लगाना मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान बेवफा है, इंसान की असल बेवफा है। और सारी जिंदगी वफा करो और एक छोटी सी खता कर दो तो तेरी वफाओं पे तेरा दोस्त काटा फेर देगा, तेरी दोस्ती को आग लगा देगा, तेरी दोस्ती को भुला के रख देगा। हाँ, और मेरे अल्लाह, और मेरे अल्लाह, और मेरे अल्लाह की सारी जिंदगी बेवफाई कर, इधर सारी जिंदगी वफा कर और एक एक खता कर तो तेरी सारी वफाओं पे तेरा दोस्त ऐसे चाकू फेर देगा, छुरी फेर देगा, नाइफ फेर देगा, तेरी सारी वफाओं को गद्दारी में तब्दील कर देगा। जिन रात के किस्से हैं शायद ही किसी गुलाम ने बदर जैसी वफा की हो अब्दुर्रहमान अद्दाखिल के साथ, लेकिन आखिर अंजाम क्या था कि बदर कैद में था और अब्दुर्रहमान तख्त पर था। यही दुनिया का अंजाम है। तू अल्लाह के साथ बेवफाई कर और एक साल नहीं कर, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 1,00,000,000 साल नहीं, इतने साल अल्लाह से बेवफाई कर कि जिसको खुद अल्लाह कह रहा है यबना आदम लो बलग ज़ुनूबुक अनान समा, मेरे बंदे और बंदी, औरत हो या तू मर्द है, तू जोहान्सबर्ग में रहता है या मुल्तान में रहता है, मक्का में रहता है या न्यूयॉर्क में रहता है, मदीना में रहता है या शंघाई में रहता है, तू इतने गुनाह कर कि जमीन से उठा और उनकी तह लगा और उनको उठाता जा, उठाता जा, उठाता जा, उठाता जा, चांद तारों को भर दे, ये सारे स्पेस को भर दे और सारे ब्लैक होल्स को भर दे और फिर अपने गुनाहों को आसमान की छत के साथ लगा दे। इसके लिए ट्रिलियन ट्रिलियन साल की उम्र भी थोड़ी है। और इसके लिए मैं कसम उठा के बताता हूँ, सारे फरिश्ते गुनहगार हो जाएं, सारे इंसान जिन्नात गुनहगार हो जाएं और सारे इंसान जिन फरिश्ते मिलकर क़यामत तक गुनाह ही करें, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, वो सूरज तक नहीं पहुंचते, आसमान तो बहुत दूर है। और मेरा अल्लाह कहता है कोई एक हिंदी, कोई एक पाकिस्तानी, कोई एक गोरा, कोई एक काला, कोई एक औरत, कोई एक मर्द इतने गुनाह करे कि उठाते 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 आसमान की छत को लगाए। सारी दुनिया के मुफ्ती कहेंगे पक्का काफिर है, सारे कहेंगे पक्का दोस्ती है, सारे कहेंगे पक्का बेईमान है, सारे कहेंगे सबसे बड़ा बेगैरत है। और मेरा अल्लाह कहता है मुझे आजमा, मेरी दोस्ती को आजमा, आधी जबान से कहना या अल्लाह माफ कर तो मैं तेरे सारे माफ कर दूं।